आज हम लोग एसिडिटी के बारे में बात करेंगे। एसिडिटी क्या होता है, क्यों होता है, इसका लक्षण क्या क्या दिखाई देता है और इसका घरेलू इलाज कैसे कराएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एम इस्लाम और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे शरीर में खाने को पचाने के लिए एक धरण का ग्लैंड जूस रिलीज होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। इसका काम होता है हमारे शरीर में खाने को टुकड़ों में बांटना और खाने के साथ जो बैक्टीरिया और ख़तरनाक जीवाणु जाता है उसको मारना। अगर तय मात्रा से ज़्यादा एसिड रिलीज़ होती है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा एसिड रिलीज़ होती है, तो हमारे शरीर में एसिडिटी होती है। तो ऐसा होता क्यों है? इसकी होने की कई वजह है, जैसे कि मसालेदार और तले हुए खाने का ज़्यादा मात्रा में सेवन करना, जंक फूड और कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे कि बियर और कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा मात्रा में पीना, एक साथ ज़्यादा मात्रा में भोजन करना और समय पे ना खाना और ज़्यादा देर तक भूखे रहना। इसके अलावा बिना डॉक्टर दिखाए पेन किलर, एसिडिटी और गैस का दवाई लेना, रात को ठीक से ना नींद लेना, ज़्यादा मात्रा में तनाव करना और सिडेंटरी लाइफ स्टाइल जीना, मतलब कोई कसरत ना करना, स्मोकिंग करना, एल्कोहल लेना और भी कई वजह होता है जिसके कारण एसिडिटी होता है। दोस्तों, अगर हमारे शरीर में एसिडिटी हो जाती है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देती है? पहला जो लक्षण है वो है हार्टबर्न, मतलब सीने में दर्द की शिकायत होती है। दूसरा जो लक्षण है खट्टा ढकर मारना और बार बार ढकार आना। तीसरा लक्षण है सर में या तो पेट में दर्द होना। दोस्तों, इसके अलावा और भी कई लक्षण दिखाई देती है, जैसे कि प्यास का अनुभव करना, पेट फूल जाना, भूख ना लगना, बेचैनी महसूस करना और उल्टी भाप होना या तो उल्टी होना। दोस्तों, ये तो गया एसिडिटी का लक्षण, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे एसिडिटी का इलाज क्या है, एसिडिटी होने के बाद क्या करें और एसिडिटी ना हो ऐसे क्या करें। अगर एसिडिटी हो जाता है तो कई घरेलू उपचार आप ले सकते हैं। सबसे पहले आप जीरा और अजवाइन का मिश्रण करके इसको खा सकते हैं। दूसरा जो चीज़ है वो है नारियल का पानी। नारियल का पानी एसिडिटी के लिए बेहद ही फायदेमंद होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में पीएच लेवल को बढ़ाकर एसिड को घटाता है। तीसरा जो सबसे फायदेमंद चीज़ है एसिड के लिए वो है गर्म पानी। ठंडे पानी ना पीकर आप एसिड होने के बाद गर्म पानी पिए, इससे बहुत रिलीफ मिलती है। चौथा जो चीज़ है वो है केले और सेब। नेचुरल रूप से ये एक एंटासिड होता है। अगर आपको एसिड हो जाता है और इस फल का सेवन करते हैं तो काफ़ी हद तक रिलीफ मिलती है। दोस्तों, अब बात करेंगे एसिडिटी ना हो इसके लिए क्या करें। इसके लिए सबसे जो पहला चीज़ करना चाहिए वो है लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। अगर आप अपने डाइट में जंक फूड और मसालेदार खाना ज़्यादा खाते हैं तो इसके बदले में आप ज़्यादा से ज़्यादा साग सब्जी और फल मूल खाए। नंबर दो, चाह, कॉफ़ी, कार्बोनेटेड ड्रिंक के जगह आप नींबू पानी और नारियल का पानी ले। नंबर तीन, एक साथ ज़्यादा मात्रा में ना खाकर आप थोड़ी थोड़ी करके 3 से 4 बार भोजन ले। नंबर चार, ज़्यादा से ज़्यादा भूखे ना रहे और समय से ही भोजन ले। नंबर पाँच, एल्कोहल, बियर और स्मोकिंग अगर करते हैं तो इसको तुरंत छोड़ दे। नंबर छः, बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवाई जैसे पेन किलर या एंटासिड ये सब ना ले। नंबर सात, अगर आप सिडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं तो उसके बदले आप थोड़ा बहुत कसरत करें, एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें। नंबर आठ, अगर आपका लाइफ में तनाव की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए आप मेडिटेशन, योगा ये सब कर सकते हैं, जिससे आप तनाव को मैनेज कर सके। नंबर नौ, कम से कम दिन में 6 से 8 घंटा नींद ले, क्योंकि अगर आप नींद ठीक से नहीं लेंगे तो आपकी एसिडिटी का समस्या हो सकती है। नंबर 10, अगर आप बाहर के खाना ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो उसको छोड़कर आप घर के भोजन को ही ले। दोस्तों, अगर आप बताए हुए ये सब चीज़ को अच्छे से अगर फॉलो करते हैं तो उम्मीद है आपको एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।